नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला ना कहती सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लम थोड़ा सा सुस्ताना दूर करने के लिए रिलैक्स लेने के लिए अल्लाह के नबी अपने मुबारक पीठ को जमीन पे लगाते हैं। और कैसी मुबारक हो, कैसी जमीन। हजरत उमर फारूक कहते हैं मैं अल्लाह के नबी की याद जियारत के लिए आया, नबी से मुलाकात के लिए आया, अल्लाह के नबी उठ बैठे तो पूरी पीठ लाल हो चुकी थी। हजरत उमर देखकर रोने लगे, अल्लाह के नबी हुक्म दीजिए हम सहाबा आपके लिए कुछ इंतजाम कर देंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं मा लिहाज़ा दुनिया इब्न अल खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे मुझे की दुनिया से क्या लेना देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चटाई पे लेट करके भी कहते अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तब'अथु इबादक, अल्लाह उस दिन के अज़ाब से बचा जिस दिन तू लोगों को उठाएगा। हालांकि अल्लाह के नबी पर अज़ाब नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शफीउल मुज़्ज़िबीन हैं, साकी ये कौसर हैं, शाफी रोज़े महशर हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी कहते अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह तू हिसाब लेने वाला मेरा हिसाब आसान ले लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन सा 30-40 का प्लाट था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन से ऐसी लवाजिमात थे जो मेरे और आपके पास हैं। अरे आज मस्जिदें पक्की हैं नमाजी, उस वक्त क्या था, नमाजी पक्के थे और मस्जिदें कुछ है ना। अल्लाहु अकबर।